से इतनी लॉन्ग रेंज डैमेज देने की कोशिश कर रहे हैं। ओवेस ने यहाँ पे एक प्लेयर को स्पॉट कर लिया, वो धीरे धीरे प्लेयर आगे बढ़ रहा है। क्या यहाँ पे कुछ होगा ओवेस? I don't know what just happened. यहाँ पे पता नहीं कुछ मैसअप हो गया, ओवेस ने खुद पे ही नेट कर लिया तो इवेंचुअली ये मरेगा। लेशिन को भी what was that, that master move? वो नेट मारा था, वो नेट था, वो नेट मारा था and I think ओवेस पहले नेट करना चाहता था पर वो मूव किया एंड उतने में नेट कुक हो गया तो उसको पहले फेंकना पड़ा पर लेशिन ने उसको तब तक नॉक कर दिया और लेशिन जब तक अंदर आया तो ओवेस के नेट से वो फट गया। बट बात है यहाँ पे ओवेस को बचाना पड़ेगा बट वाइपर मॉर्टल सब काफी दूर है। यहाँ पे मुझे लगता नहीं है कि ओवेस को एक जीवन दान मिल पाएगा बट रौनक यहाँ पे फुल पावर गाड़ी लेके अपने भाई को बचाने जा रहे हैं। अगर मुझे यहाँ पे थोड़ा स्केची लग रहा है रौनक को इंस्टेंटली जो वापस रोड क्रॉस करना है या मॉर्टल पिकऑफ हो गया 69 के ग्रोजा से। मैं यही कह रहा था अगर जाना भी था तो एक बंदे को जाना था क्योंकि बहुत ही रिस्की मूव था। आप एक बंदे को बचाने के लिए अगर तीन बंदे या मॉर्टल पिकऑफ होते पर पीछे से वाइपर का शायद कवर प्ले आया एंड 69 ग्रोजा काफी लो ऑन हेल्थ। अभी तक यहाँ पे सोल का कोई भी प्लेयर बाहर नहीं हुआ है तो अभी भी हमारी जान जिंदा है और मॉर्टल को अभी रिवाइव मिल जाएगा। ओवेस रिवाइव हो चुके हैं, रौनक यहाँ पे उनके लिए एज अ लाइफ सेवर बन के आए थे तो भाई मॉर्टल और रौनक के तो भाई मैं जोरदार तालियां बजवाना चाहूंगा और अपनी ऑडियंस को भी बोलना चाहूंगा कि बताओ कैसा लगा ये प्ले कि अपने भाई को बचाने के लिए इतनी दूर तक गए और भले खुद नॉकआउट हो गए बट ओवेस को यहाँ पे गेम से बाहर नहीं जाने दिया। बिल्कुल सही।